La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. आज जो वाकया आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये हजरत अली करमल्लाहु वजहू की जहानत और जकावत की भी इसमें मिसाल मौजूद है और आपकी इल्म हदीस पर और इल्म फिक्र पर जो नज़र है वो भी सामने है और माशरे में मौजूद लोगों के हालात ज़िंदगी जो है उस पर भी जो नज़र है वो भी हमें पता चलती है। वाकया कुछ इस तरह हुआ कि एक दिन हज़रत अली करमल्लाहु वजहू मदीने की गलियों में जा रहे थे तो देखा कि एक औरत को कुछ आदमी घसीटते हुए लेके जा रहे हैं और वो औरत जो है वो खौफ के मारे कांप रही है और वो उसे घसीटते लिए जा रहे हैं। हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने जो देखा तो पूछा कि ये तुम इस औरत क्यों घसीट रहे हो। लोगों ने कहा इस औरत ने बदकारी की है, जिना किया है, इसलिए अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यह हुक्म दिया है कि इस औरत को संसार कर दिया जाए। हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने इस औरत को इनके हाथों से छीना और इन लोगों को डांटा और कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, छोड़ो इसको और जाओ यहां से। चुनाचे वो लोग हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए और कहा कि भाई हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने वो औरत जो आपने संसार के लिए भेजी थी वो हमसे ले ली और हमें डांटा भी और भगा भी दिया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब देखे ना हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की नजर में हजरत अली का मुकाम क्या है। कहते लोगों ये काम जो अली ने किया है तो जरूर अली को कोई ना कोई ऐसी बात मालूम होगी जिससे हम बेखबर हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वो जानते हैं ना हजरत उमर के हजरत अली करमल्लाहु वजहू का मुकाम क्या है और उनके फहमो ज़का क्या है और उनका इल्म दीन क्या है, तो कहा कि जरूर कोई बात होगी इसलिए अली ने ऐसा किया। अच्छा जाओ जरा अली को बुला के तो लाओ। आए हाय, हजरत अली करमल्लाहु वजहू को जो बुला के लाए तो हजरत अली करमल्लाहु वजहू हालत जलाल में थे। हजरत उमर ने इनसे पूछा अली क्या बात है, तुमने इन लोगों को वापस कर दिया और इनको इस बदकार औरत पर हद कायम करने से मना कर दिया। हजरत अली ने फरमाया या अमीरुल मोमिनीन। आए हाय, इससे एक बहुत बड़ा उकदा खुल जाता है कि हजरत अली ने हजरत उमर को अमीरुल मोमिनीन माना तो कह रहे हैं ना कि या अमीरुल मोमिनीन या अमीरुल मोमिनीन। फिर आगे हुजूर की हदीस सुनाई कि क्या आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का ये इरशाद पाक नहीं सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया तीन लोगों के ऊपर से कलम उठा लिया जाता है यानी कि उनके आमाल लिखे नहीं जाते यानी कि वो बेकसूर होते हैं, उनके गुनाह नहीं लिखे जाते। एक वो जो आदमी सो रहा हो यहाँ तक कि वो बेदार हो जाए, दूसरा वो जो अभी नाबालिग हो यहाँ तक के बालिग हो जाए, और तीसरा वो शख्स जो होश में ना हो यानी कि दीवाना हो, पागल हो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि हाँ मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद पाक सुना है। हजरत अली मुस्ने मुस्कुराते हुए फरमाया या अमीरुल मोमिनीन इस औरत को कभी कभी दीवानेपन के दौरे पड़ते हैं और ये अपना होश खो बैठती है, हो सकता है कि वो आदमी जिसने इसके साथ जिना किया है इसने इसके दीवानेपन से फ़ायदा उठाया है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत उमर बिन खत्ताब ने जब हजरत अली करमल्लाहु वजहू से ये सुना तो इस औरत को रिहा कर दिया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इस्लामी इंसाफ की कितनी बड़ी मिसाल हमारे सामने आती है और अहले बैत और सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के रिलेशनशिप के बारे में भी कितनी वाज़े दलील हमारे सामने आती है। इस वाक़े को इमाम अहमद ने मुसनद इमाम अहमद में रिवायत किया है, तो ये हदीस इमाम अहमद ने मुसनद इमाम अहमद में रिवायत की है। इलावा अजीम इस हदीस को इमाम अबी दाऊद ने भी रिवायत किया है। इलावा अजीम यह हदीस फ़ज़ाइलुस सहाबा के ज़िम्न में भी आती है, किताब है फ़ज़ाइलुस सहाबा, उसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 707 और 708।
ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔